अस्सलाम वालेकुम, असदुल्ला पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची, प्रोग्राम बहरिया टॉक विद असद। आज मैं मौजूद हूँ प्रिसन 31 के अंदर, यहाँ पर जो 235 स्क्वायर यार्ड के विलास दिए गए हैं उनमें से एक विला का आज हम आपको कंप्लीट जो एक हाउस टूर है, प्रॉपर हाउस टूर, वो हम आज आपको करवाएंगे। तो चलिए आपको इस विला का कम्प्लीट टूर जो है वो हम आपको करवाते हैं। तो मेरे साथ कैमरा मैन है रहीम भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको पहले 10 फीट वाइड जो है गार्डन एरिया जो है वो इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और अक्सर जब शाम के टाइम आप यहाँ पर आएंगे तो अक्सर फैमिलीज़ आपको जो है यहाँ पर वो बैठी हुई नज़र आएंगी। और इसके बाद ये उसके साथ ही 14x14 का पोर्च एरिया जो है ये इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी जो है मतलब वो पार्क करें। और इस विले के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जो पीपल होम्स के CEO हैं राणा फारूक साहब, उनका ये विला है और इन्होंने इसको प्रॉपरली जो है डेकोर किया है, इसको फर्निश किया है। तो इसके बाद हम एंटर होते हैं विले के अंदर। जैसे ही विला के अंदर आप एंटर होंगे तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले ड्राइंग रूम आएगा। इसका एरिया मैं आपको बताता चलूँ कि 15x14 का जो है ये ड्राइंग रूम है। इसको आप एज ए लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फ़ारूक साहब ने किया हुआ है। और यहाँ पर आपके गेस्ट जो हैं उनके बैठने के लिए जगह। और इस विले की मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बहरिया ने पहले तो अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब आपको अलाउ किया कि यहाँ पर आप ग्रिल इंस्टॉल करके प्रॉपरली अपने विले को जो है सिक्योर कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। ड्राइंग रूम आपने देखा, उसके बाद हम चलेंगे तो ये टीवी लाउंज का एरिया आपको देखने को मिलता है। 15x11 इसका जो है टोटल एरिया है। एरिया में टीवी लाउंज दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को। और टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ हमें मास्टर बेडरूम जो है वो देखने को मिलता है। और मास्टर बेडरूम का साइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 16x14 जो है इसका टोटल एरिया है। और यहाँ पर प्रॉपर आपको फैंसी लाइट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको जो है वो डेकोर कर सकते हैं। और ये बिल्ट इन वार्डरोब्स जो हैं वो इसके अंदर आपको दी गई हैं बहुत ही अच्छे वुडन वर्क के साथ। और मास्टर बेडरूम का जो अटैच वाशरूम है 7x6 इसका टोटल एरिया है। ये रहीम भाई आपको दिखाएंगे, इसके अंदर भी आपको प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो इसमें वॉश बेसन वगैरह है वो कोटा जो कंपनी है उसके वॉश बेसन इसके अंदर आपको दिए गए। और साथ ही ये यहाँ से बाहर की तरफ जो आपकी विंडो है वो ओपन होगी, यहाँ से आप बाहर का व्यू जो है वो ले सकते हैं। तो मास्टर बेडरूम के बाद हम आगे चलेंगे। मास्टर बेडरूम के साथ ही ये आपका डाइनिंग एरिया है। 10x21 की एक अच्छी खासी वाइड स्पेस जो है वो इसके अंदर आपको दी गई है। यहाँ पर आप अपना टेबल लगाकर, डाइनिंग टेबल लगाकर आप इसको सेट कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के बाद हम चलेंगे किचन की तरफ, क्योंकि अक्सर जो हमारी लेडीज़ हैं वो पहले देखते हैं कि किचन का साइज़ जो है वो कितना है और किस तरह का किचन है। तो किचन हम आपको दिखाते चलें। और सबसे पहले मैं इसका एरिया आपको बताता चलूँ तो 10x12 का जो किचन है ये इसके अंदर आपको दिया गया है। और इसके अंदर आप आपकी जो ये वेंटिलेशन हुड है जिसको चिमनी भी कहा जाता है, आपके जो किचन का स्मोक है उसको सक करने के लिए ये चिमनी भी इसके अंदर इंस्टॉल है। और इसके अलावा बैरिया की तरफ से आपको जो बिल्ट इन ये वार्डरोब्स हैं आपकी, ये आपको जो है वो दी जाती हैं। और बाकी सारा का सारा जो आपका किचन का सामान है उसको आपने खुद सेट करना होता है अपने हिसाब से। और किचन के साथ में आपको ये जो छोटा सा एक डोर आपको दिया गया है, इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ से आप बाहर की जो आपको पैसेज एरिया है उसके अंदर आप मूव कर सकते हैं। और आपका जो सर्वेंट क्वार्टर है, क्योंकि इसके साथ ही एक सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो उसके आपके सर्वेंट के गुजरने के लिए जो है ये रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर भी आप इसको ग्रिल के साथ इस दरवाजे को भी आप प्रॉपरली जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का आपने विजिट किया है, इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो पहले पहले हमें यहाँ पर हमें एक लाउंज का एरिया देखने को मिलता है,
इसका साइज़ मैं आपको बताता चलूँ तो 14x13 जो है इसका साइज़ है, और इसको आप अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जिम का सामान आपको देखने को मिलेगा, और लेकिन इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर कोई सिटिंग अरेंजमेंट बनाएं या आप जिम का सामान रखें या किसी भी और पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाउंज के साथ ही 5x7 का आपको छोटा सा एक स्टोर रूम जो है वो दिया गया है, तो इसके अंदर आपका जो भी सामान वगैरह है, जो भी कोई गैर जरूरी सामान है वो भी आप इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं। स्टोर रूम के साथ जो मास्टर बेडरूम से ऊपर वाला रूम है ये वो है, और इसका साइज़ मैं आपको बताता चलूँ तो 16x13 जो है इसका साइज़ है, और इसके अंदर भी ये फैंसी लाइट्स आपको दी गई हैं और बिल्ट इन वार्डरोब्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ मैं हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इसका वॉशरूम भी आपको दिखाते चलें, तो ये भी 7x6 का जो है ये वॉशरूम है, इसके अंदर भी प्रॉपर आपको वेंटिलेशन जो है वो देखने को मिलती है, वॉश बेसिन इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ से जो आपकी विंडो है वो ओपन होती है, यहाँ से आप बाहर का जो व्यू है वो ले सकते हैं, और एक अच्छी सनलाइट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मास्टर रूम जो मास्टर बेडरूम है उससे ऊपर वाला रूम था, और इसके बाद जो इस विले के हिसाब से जो छोटा रूम है या उसको आप चिल्ड्रन रूम भी कह सकते हैं वो इसके साथ मौजूद है। टोटल ये 3 बेडरूम का ये विला है, नीचे वाले फ्लोर के ऊपर 1 बेडरूम है, ऊपर जो है वो 2 बेडरूम है। तो ये जो तीसरा बेडरूम है इसका साइज़ मैं आपको बताता चलूँ तो 12x13 का जो है ये रूम है, और ये रूम कंपेरेटिवली जो इस विले के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो इसका वॉशरूम है वो हमें बड़ा वॉशरूम जो है उसका साइज़ हमें देखने को मिलता है, 12x6 जो है इस वॉशरूम का साइज़ है, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो वार्डरोब्स हैं आपको वॉशरूम के अंदर ही वो दी गई हैं। ये वार्डरोब्स जो हैं ये रहीम भैया आपको दिखाएंगे, ये वार्डरोब्स आपको इस वॉशरूम के अंदर ही दी गई हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी भी इसमें वेंटिलेशन जो है वो आपको दिखाई गई है। व्यूअर्स, इस तरह का जो विला है इसको आप रेंट पे भी ले सकते हैं और आप जो है सेल पर भी ये अवेलेबल है, और इस तरह का घर जो है वो बनाना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बैरिया के अंदर आपको ये घर क्यों लेना चाहिए, उसकी वजह है ये लाइफस्टाइल बैरिया टाउन का, जहाँ से ये हम टेरेस एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। टीवी लाउंज से बिल्कुल साथ ही जो टेरेस है ये अपर टेरेस है 12x6 का, और इसके साथ ही यहाँ से आप जो है नीचे जाकर जो 10x6 का लोअर टेरेस है उसमें आप चले जाते हैं, और यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो यहाँ से रहीम भाई आपको दिखाएंगे ये जो लाइफस्टाइल है बैरिया टाउन का, इस चीज़ के मेन पैसे हैं, ये अट्रैक्शन है बैरिया टाउन कराची की और इन विलाज की, आपको कंप्लीट एक जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो इसके अंदर आपको दी गई है। यहाँ से बैठ के आप प्रॉपर आपकी जो स्ट्रीट है उसका व्यू आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपने अपनी सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए, और जो सर्दियों के अंदर सन बाथ लेने के लिए ये जो टेरेस हैं ये सबसे आइडियल जगह है। यहाँ पर इसके बाद हम इस किचन के थ्रू हम जाएंगे बाहर, और हम बाहर से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सर्वेंट रूम जो है वो कहाँ दिया गया है, वहाँ से हम छत की तरफ मूव करेंगे। ये 3 फीट वाइड जो है पैसेज एरिया इसके अंदर आपको दिया गया है। व्यूअर्स, जो यहाँ पर प्रिसेंट 10 या 11 और प्रिसेंट 2 के जो विलास हैं 200 स्क्वायर यार्ड के, उन सब का जो लेआउट है वो सेम है, लेकिन जो ये एरिया है 35 स्क्वायर यार्ड का ये एक्स्ट्रा एरिया है इन विलास के अंदर, ये सिर्फ प्रिसेंट 31 और 27 के अंदर जो है आपको दिए गए हैं। तो इस 35 एक्स्ट्रा स्क्वायर जो एरिया आपको दिया गया है उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर आपको खुला एक वॉशिंग एरिया जो है वो आपको देखने को, और ये कंप्लीट एक अच्छा खासा वाइड जो है लॉन्ड्री एरिया जो है इसके अंदर आपको दिया गया है। तो यहीं से ये रहीम भाई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये सर्वेंट क्वार्टर है 7x7 का, और इसके अंदर भी आपको जो अटैच वॉशरूम है वो दिया गया है। तो इसके बाद अब वीडियो की फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से हम चलेंगे छत की तरफ,
छत से जाकर मैम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट 31 है इसके सराउंडिंग में कौन कौन से एरियाज जो हैं वो आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग इस टाइम छत पर आ चुके हैं इस विला की और यहाँ से ये सामने आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो 35 है उसके जो 350 के एरियाड के विलाज हैं उनकी मस्जिद जो है यहाँ से आपको नजर आएगी। इस मस्जिद के साथ शायद आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से रफी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका व्यू आपको देखने को मिलता है और उसके साथ ये यहाँ पर सामने एफल टावर जो है जो कि बेंच मार्क है यहाँ पर उसका व्यू आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो पहाड़ी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये प्रेसिडेंट 37 और 38 की पहाड़ी है। यहाँ बैठ कर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर जो है आप आ चुके हैं। और इसके साथ ही जो प्रेसिडेंट 31 के अंदर इमाम बारगाह है इसको कि मस्जिद अली भी कहा जाता है वो आप देख सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट 31 के अंदर जो है ये इमाम बारगाह भी आपको दी गई है। तो व्यूअर्स, इस प्रेसिडेंट के अंदर किसी भी किस्म की बाइंग एंड सेलिंग के लिए यहाँ पर आपको रेंट के ऊपर भी विलाज अवेलेबल जो हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी आपको दिए गए हैं जहाँ पर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करके अपना घर जो है वो तामीर कर सकते हैं। तो इन विलाज के अंदर या किसी भी किस्म की बहरे टाउन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर जो हैं वो दिए गए हैं, आप उन पर हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।